हेलो हाय गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल वीडियो जीजी में आप सभी का वेलकम। तो गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ करवा चौथ मेकअप लुक, जो बहुत ही आसानी से आप तैयार कर सकते हो अपनी मेकअप किट से, जो भी आपके पास है उससे। और गाइस, इस मेकअप को मैंने बहुत ही जल्दी बहुत ही आसान तरीके से, आप जानते ही हो मेरे पास जो मेकअप के प्रोडक्ट है मैं उन्हीं से मेकअप इष्ट अपना करती हूँ, और आप भी अपना पार्लर जैसा मेकअप कर सकते हो अपने घर पे और घर की मेकअप किट से। तो गाइस, इस वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है, तो प्लीज गाइस मेरे पे अपनी सपोर्ट बनाए रखें। अब वीडियो को शुरू करते हैं, देर ना करते हुए मेकअप पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना गाइस, शेयर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो यहाँ पे चेहरे को मॉइस्चराइजर करने के लिए मैंने लिया है एलोवेरा जेल, और इससे मैं अपने फेस को मॉइस्चराइजर कर लूँगी, और क्योंकि ये बहुत ही अच्छे से कवरेज करता है ये प्राइमर की जगह पर। इसके बाद मैंने लिया है आईब्रो पेंसिल, तो मैंने आईब्रो पेंसिल से अपनी आईब्रो को फिल कर लिया है इस तरह से, और आप भी कर सकते हो, बहुत आसानी से इसे फिल हो जाती है इस तरह। देख सकते हो आप, जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है उससे हम इसे आईब्रो ब्रश से निकाल देंगे। अब यहाँ पे आईब्रो को उभारने के लिए मैंने ले लिया अपना कंसीलर, और कंसीलर को सीधे मैं आईब्रोज के सीधे नीचे लगा रही हूँ, जिससे कि आईब्रोज हमारी अच्छे से उभर के आएगी, और बीच में हम इस तरह से एकदम आपस में जोड़ देंगे, और जो हमारी बीच का साइज होता है आईब्रोज का वहाँ भी हम अच्छे से लगा लेंगे। इसके बाद हम ऊपर की ओर से लगाएंगे, ऊपर की ओर भी हमें बहुत अच्छे से लगाना है, बिल्कुल इस तरह से लगाना है जिससे कि हमारे कंसीलर वगैरह या फिर आप यहाँ पर फाउंडेशन क्यों ना ले रहे हो वो हमारी आईब्रोज में ना लगे। तो इस तरह से पूरी तरह से ब्लेंड होने के बाद आप इस तरह से इसको ब्लेंड कर सकते हो अपनी आईज पे भी, आईज मेकअप करने के लिए। तो इस तरह से लग गया है, अब इसको मैं एक पतला ब्रश इस तरह से ले रही हूँ, इससे आप अपनी आईब्रोज पे अच्छे से ब्लेंड कर सकते हो। उसके बाद आप छोटा सा पफ ले लें, या ब्यूटी ब्लेंडर आप पे छोटा सा हो उसको लेके आप इस तरह से ब्लेंड कर सकते हो, और यहाँ पे अगर मोटा ब्यूटी ब्लेंडर लोगे तो उससे अच्छे से ब्लेंड नहीं हो पाएगा। इसके बाद मैंने लिया अपना आई शेडो, आपको पता है मेरे पास जो लैक्मी का आई शेडो है मैं उसी को ही बराबर यूज़ कर रही हूँ काफ़ी समय से। और यहाँ पे मैंने जो यहाँ पे आई शेडो जो कलर लिया है वो है पर्पल, पर्पल कलर लेके मैंने इसको इस तरह से ब्लेंड कर लूँगी जब तक मुझे अपना परफेक्ट कलर नहीं मिल जाएगा। और जो भी अगर गाइस यहाँ पर हमें लगता है हमारा कट क्रीज नहीं बनता है, तो कट क्रीज मैं आपको बाद में भी दिखाती हूँ कि कट क्रीज कैसे बनाते हैं, आसानी से कट क्रीज बन जाती है, कुछ ज़्यादा देर भी नहीं लगती है। और गाइस ये मेकअप है ना बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सरल मेकअप, एक इजी मेकअप मैंने आपके साथ शेयर किया है, इसे आप घर पे कर सकते हो। अगर आप कहीं जा रहे हो जब भी कर सकते हो किसी पार्टी वगैरह में, या तो आप फिर तो नहीं तो आप इसे इस करवा चौथ पे ज़रूर एक बार ट्राई करें। आप ये एक बार अगर ट्राई कर लेंगे ना तो आप कहोगे हाँ क्या मेकअप है, और सामने वाला देखने वाला भी कहेगा क्या मेकअप है, कि पार्लर से किया या खुद किया कुछ समझ में ही नहीं आएगा गाइस। तो एक ही ब्रश से मैंने दोनों आईज पे ब्लेंड करने के बाद मैंने ले लिया यहाँ पे ब्लैक आई शेडो, और उसे मैं इस तरह से बाहर के इनर कॉर्नर पे इस तरह से लगा रही हूँ लोअर लेस पर, और इस तरह से अंदर के लिए ब्लेंड कर दे रही हूँ। इससे क्या होता है स्मज भी अच्छे से हो जाता है, आपस में मिला हुआ लगता है, और जो क्या है ना अलग अलग नहीं लगेगा। इस तरह से आपको लगाना है, अगर अलग अलग लगता है तो एक अच्छा लुक नहीं आता है हमारे आई शेडो का। तो इस तरह से हम आपस में इसको स्मज कर देंगे जिससे आपको ऐसा नहीं लगेगा जैसे कि आपने अलग से ही इस ब्लैक आई शेडो को लगाया हो। अब देख सकते हैं यहाँ पे कितने अच्छे से आई शेडो लग गया है। आई शेडो लगने के बाद कंप्लीट होने वाले गाइस, अब यहाँ पे कंप्लीट हो गया है हमारा आई शेडो। आई शेडो कंप्लीट होने के बाद मैंने ले लिया अपना फाउंडेशन, ब्यूटी ब्लेंड फाउंडेशन लिया है मैंने, जो आपके पता ही है मैं कौन सा लगाती हूँ, ओलोविया का है मेरे पास ने, तो मैं उसी को ही इसमें यूज़ कर रही हूँ बराबर। बहुत ही अच्छा है गाइस, इसका आप यूज़ करोगे ना तो इसके ही आप दीवाने हो जाओगे बिल्कुल। तो इसको इस तरह से लगाने के बाद मैंने कर लिया है ब्लेंड, और ब्लेंड मैंने अपनी पप की मदद से, ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से किया है, जिसको मैंने कुछ देर पहले पानी में भिगो के रख रखा था। और इससे क्या होता है अगर पानी में भिगो के रखते हो तो जो भी एक्स्ट्रा आपके जो भी कुछ अगर प्रोडक्ट लग जाता है तो वो सारा हमारे ब्यूटी ब्लेंडर में आ जाता है, जिससे अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। और यह कट क्रीज बनाने के लिए मैं इस तरह से फाउंडेशन या फिर अपने
कंसीलर का यूज़ कर लेती हूँ जिससे हमारा अच्छे से कट क्रीज बन जाता है। उसके बाद आपको छोटा सा ब्यूटी ब्लेंडर लेना है जिससे आप अच्छे से इसको ब्लेंड कर पाएँ कट क्रीज की जगह को। और ये आप देख सकते हैं कितने अच्छे से कट क्रीज बन के आई गाइस। इसके बाद जहाँ पे मेरे डार्क सर्कल मुझे नज़र आ रहे हैं वहाँ पर मैं थोड़ा ले लूँगी फुल कवरेज देने के लिए कंसीलर। कंसीलर को मैंने लगा लिया है। तो यहाँ पे कंसीलर लगाने के बाद फुल कवरेज देने के लिए मैंने यहाँ पर ब्यूटी ब्लेंडर ब्लेंड कर लिया है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लेंड हो गया। जो भी मेरे थोड़े बहुत आपको डार्क सर्कल दिख रहे हैं ना वो बिल्कुल एकदम छिप गए हैं। अब यहाँ पे आप कॉम्पैक्ट ज़रूर लगा लेंगे। कॉम्पैक्ट का आपने अभी कंसीलर लगाया है तो कंसीलर को फुल कवरेज देने के लिए उसको सेट करने के लिए आपको लगाना होता है कॉम्पैक्ट या फेस पाउडर से कुछ भी कह सकते हो आप यहाँ पर। और इसके बाद कंप्लीट करने के बाद मैंने आईज़ का मेकअप अब कम्प्लीट कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर ले लिया लाइनर और लाइनर कुछ इस तरह से लगा लिया है। देखिए लाइनर आप इस तरह से लगा सकते हो बहुत ही आसानी से लग जाएगा। अगर आपको नहीं भी लगाना है तो आप ट्राई करते रहिए आपको ज़रूर आपका कंसीलर एक दिन आपका लाइनर बहुत ही अच्छे से आपको बन के आएगा। तो गाइस यहाँ पे लाइनर कंप्लीट होने के बाद आप देख सकते हो सेकेंड आइस में मैं उसी तरह से कंप्लीट कर लूँगी जैसे मैंने फर्स्ट आइस में किया है। और थोड़ा सा क्या कहते हैं ना आपको थोड़ा सा अगर अपना आईलाइनर मोटा वगैरह करना है तो आप दोबारा लगा सकते हो। और मुझे यहाँ पे इसी तरह का लाइनर चाहिए, ज़्यादा मोटा नहीं चाहिए है क्योंकि जो हमारा साड़ी है ना। तो गाइस या सेकंड आइज पे मैंने उसी तरह से लगा लिया। और मैंने आपको बताया था कि मेरी साड़ी है ना थोड़ा लाइट है तो मैं उसी तरह से अपनी आइज़ का मेकअप कर रही हूँ। और जिससे कि हमारा आइस मेकअप पहले ही काफ़ी ज़्यादा हो गया और मैं नीचे आइस में भी थोड़ा सा लोअर जो हमारी वाटर प्रूफ लाइन होती है उसके नीचे भी मैं थोड़ा सा लाइनर लगा लूँगी इस तरह से जिससे कि अच्छा सा थोड़ा एक लुक आए। और इसके बाद मैंने यहाँ पे लगा लिया है मस्कारा। मस्कारा से अपनी जो हमारी पलकें होती उनको हम थोड़ा स्ट्रेट करते हैं। और आप देख सकते हैं मेरा मेकअप लुक है ना और सेकंड ये मेकअप लुक है मेरा जिसमें मस्कारे का यूज़ कर रही हूँ। इससे पहले मैंने शायद एक में ही किया था और उससे पहले मेरे पास था नहीं। तो गाइस यहाँ पे कंटूरिंग करने के लिए अपने अपने चिक को आपको थोड़ा इस तरह से करना होता है जिससे कंटूरिंग आपकी बहुत ही अच्छे से हो जाती है। कंटूरिंग कर लिया मैंने यहाँ पे और मैं आपको इसको दिखाऊंगी कि मैंने कंटूरिंग करने के लिए मैंने क्या चीज़ लिया है जो बहुत ही अच्छा है गाइस। उसमें कई सारे शेड हैं और बहुत ही अच्छे से कंटूरिंग भी होता है। मैं थोड़ा सा फोरहेड पे भी कर लूँगी। फोरहेड भी मुझे थोड़ा सा शेप देना है तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा फोरहेड पे भी लगा लिया है गाइस। एक्चुअली क्या कहते हैं ना मेरे हेयर में थोड़ा फाउंडेशन लग गया थोड़ा इसलिए ऐसा लग रहा है। और मैंने इस तरह से लगाने के बाद आप देख सकते हो मैं अपनी नोज को थोड़ा कंटूरिंग करूँगी। तो मैंने यहाँ पे अपनी नोज को कंटूरिंग कर लिया है। इस तरह से आप कंटूरिंग कर सकते हो बहुत ही आसानी। इस तरह का ब्रश ले लें जिससे कंटूरिंग हो जाता है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको लेना है थोड़ा अपना ब्यूटी ब्लेंडर और आपको छोटा ब्यूटी ब्लेंडर लेना है इसकी मदद से ब्लेंड कर लेना आपने। उसके मैंने चिक को पिंकी कर लिया है। चिक को पिंकी है थोड़ा सा ब्रश ज़्यादा आ गया उसको मैंने थोड़ा सा इस तरह से हल्का करके दोबारा लगा लिया है। और इसके बाद मैं अपने हाईलाइट कर लूँगी। हाईलाइट करने के लिए मैंने इस तरह का ब्रश लिया बट इससे अच्छे से हाईलाइट नहीं हुआ और जहाँ तक ये थोड़ा सही हुआ लेकिन मैं इसे चेंज कर दूंगी। और यहाँ पर नोज पे मैंने कंटूरिंग किया उसको भी हाईलाइट कर लिया इस तरह से। हाईलाइट करने के बाद मैंने थोड़ा सा स्टिक से और हाईलाइटर लगाया और फिर अपने ब्रश की मदद से इसको ब्लेंड कर दिया। बहुत ही अच्छे से ब्लेंड अप हो गया है। अब लग रहा है कि हाँ मैंने हाईलाइट लगाया है। तो हाईलाइट करने के बाद नोज पे और मैं यहाँ पर पूरी तरह से हाईलाइट अच्छे से उठे हुए पॉइंटों पे हाईलाइट कर लूंगी जिससे एक अच्छा सा मेकअप लगे। और नोज पे थोड़ा सा और हाईलाइट कर लेती हूँ। इसके बाद गाइस लिप लाइनर ले लिया। लिप लाइनर से मैंने आउटलाइन लिप लाइन लिप पे कर ली एक जिससे कि हमारे लिपस्टिक अगर हम लगाते हैं तो काफी लॉन्ग लास्टिंग हो जाती है, काफी देर तक अंदर ही रहती है, इससे बहुत अच्छी लगती है। इसके बाद मैंने ले लिया पिंक सेट लिपस्टिक और लिपस्टिक को मैंने इस तरह से लगा लिया। पिंक भी है थोड़ी और थोड़ा सा पर्पल कलर भी मारती है, बहुत ही अच्छी है लिपस्टिक। इसमें थोड़ा सा हाईलाइट कर लिया मैंने अपने लिप को, थोड़ा हाईलाइटर लगा लिया। हाईलाइटर लगा सकती है या फिर आपके जो ग्लिटर आता है ग्लिटर भी लगा सकते हो। और गाइस जो हमारी लोअर लैश है उस पर हम यहाँ पे काजल लगा लेंगे क्योंकि काजल रह गया और काजल को मैंने सबसे लास्ट में लगाया है गाइस क्योंकि मैं एक बार को भूल ही जा रही थी। और इस तरह से काजल मैंने लगा लिया है जिससे कि अच्छे से काजल लग जाता है। लोअर लैश पे थोड़ा सा हमें मोटा काजल चाहिए तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मोटा काजल लगा लिया है। इसके बाद मैंने ले लिया है एक यहाँ पे पर्पल सेट और पर्पल सेट से मैं इस तरह से अपने लोअर लैश के नीचे से
थोड़ा सा आई शेडो लगा ले रही हूँ जिससे कि हमारा साड़ी बहुत ही अच्छा लगे। इस तरह से हम कर लेते हैं ना लोअर लैश के नीचे, जब मस्कारा वगैरह लगाते तो बहुत ही अच्छे से एक हमारा आईज मेकअप लगता है गाइस। इसका कंप्लीट मेकअप देखिए, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। गाइस ये रहा मेरा मेकअप कंप्लीट, इसमें मैंने तैयार कर लिया इसको मांकी का, एंड मैंने इसमें झुमकी ली है और झुमकी के साथ में अपना ये नेकलेस ले लिया है जिसे ये मेरे साड़ी में बहुत ही अच्छे से मैचिंग हो रहा है। तो गाइस आई होप आपको मेरा मेकअप लुक पसंद आया हो, पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत ही आसानी से मेकअप मैंने तैयार किया और इस तरह का अगर जुड़ा आप शेयर चाहते हो मैं आपके साथ शेयर करूँ तो जरूर करूँगी गाइस। और नेक्स्ट वीडियो आएगा मेरा मेकअप जूड़ा पे ही आएगा कि मैं जूड़े कैसे बनाती हूँ जो बहुत ही आसानी से बहुत ही जल्दी बन जाते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो गाइस वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इस तरह का मेकअप हम कर सकते हैं, इस करवा चौथ पे बहुत आसान तरीके से हो सकता है विदाउट आप नेकलेस और मांग टीका कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो गाइस आई होप आपको मेरा मेकअप पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो किसी अच्छी वाली सब तक के लिए बाय बाय।